भंते संघप्रिय राहुल जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समरसता गतिविधि के राष्ट्रीय संयोजक श्याम प्रसाद जी, श्री ललित बिहारी गोस्वामी जी, हमारे बीच में विश्व हिंदू परिषद में समरसता आयाम के केंद्रीय प्रमुख श्री देवजी भाई रावत भी विद्यमान हैं। भाइयों और बहनों, आज चार अद्भुत चीजों का संगम है। संत शिरोमणि रविदास जी, उनके जन्म दिवस की प्रेरणा में छाया में ये कार्यक्रम हो रहा है। ये पुस्तक भगवान बुद्ध की जीवन को बताती है, स्वामी विवेकानंद के जीवन को बताती है, और चौथा संयोग ये है कि ये कार्यक्रम अंबेडकर सेंटर में हो रहा है। तो जिन लोगों ने समरसता का संदेश दिया, कुछ कृपा करके नहीं, कुछ रियायत करके नहीं, ये मुसलमान हो जाएंगे इस भय से भी नहीं, पर प्रत्येक मनुष्य के हृदय में विराजमान भगवान है, इसलिए सब लोग दिव्य हैं। ब्रह्म भी और प्रकृति भी दैवी है और सबके हृदय में विराजमान है। उस ईश्वर के दर्शन करना, इसको समता का आधार बना कर दिया। उन सबको हम स्मरण कर रहे हैं। भगवान बुद्ध के जीवन में तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं आती हैं। एक बड़े राजमार्ग से गुजर रहे थे राजा, वहाँ के संभ्रांत लोग, शिष्यों का बड़ा दल, भिक्षु सन्यासियों का साथ। तो एक व्यक्ति जिसकी जिम्मेवारी थी कि उस सड़क को झाड़ू लगा करके साफ रखे, उसने जब अकस्मात दूर से आते हुए इन सब दिव्य पुरुषों को देखा तो बहुत संकोच के साथ में, बहुत शर्म के साथ में अपनी रेड़ी को पीछे करके एक दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। ये निकल जाएंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। बुद्ध बढ़ते बढ़ते वहाँ तक आए जहाँ वो खड़ा था, और इन सब संभ्रांत लोगों के बीच में से वो निकल करके इस व्यक्ति के पास गए और कहा कि तुमको भी तो बुद्ध होना है, आओ मेरे साथ चलो। स्वयं जाकर के निमंत्रण करके शामिल किया। एक दिन उनके पास में कुछ शाक्य राजकुमार दीक्षा लेने के लिए आए, और उसी दिन एक नाई समाज का व्यक्ति भी आया। बुद्ध को संदेश दिया गया, बुद्ध सबसे मिले, और मिलने के बाद में उनको लगा कि ये नाई है, इसकी जाति कुछ भी होगी कोई चिंता नहीं है, पर ये अपनी भक्ति में, समर्पण में, ज्ञान में बाकियों से ज़्यादा है। तो शाक्य राज परिवार के लोगों को कहा, आपकी दीक्षा का कार्यक्रम कल तय करूंगा, और उस नाई को कहा मेरे साथ आओ, तुमको आज दीक्षा देता हूं। और जैसा मैंने कहा, ये गुण के आधार पे किया। ये संदेश हमें सब लोगों ने दिया है, स्वामी विवेकानंद ने भी दिया है। इन लोगों के घर जा करके, इन लोगों से मिल करके, इनके जीवन की दिव्यता का दर्शन करके अल्मोड़ा जा रहे थे। जाते जाते थक गए, थक करके चलना बैठने से व्यवस्था थी तो लेट गए। एक मुसलमान वहाँ से गुजर रहा था
और एक अनुसूचित समाज का व्यक्ति गुजर रहा था, कुछ फल लेकर आए, कहा स्वामी खा लो नहीं तो प्राण चले जाएंगे। विवेकानंद जी ने कहा कि मेरे शरीर में इतनी क्षमता नहीं बची कि मैं इस फल को उठाऊं, मुंह में लाऊं और खाऊं, क्या आप इसको मेरे मुंह में डाल सकते हैं। दोनों संकोच में पड़ गए, दोनों ने अपनी व्यवस्था बताई, एक ने अपना धर्म बताया, एक ने अपनी जाति बताई। विवेकानंद ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि मेरे प्राणों की रक्षा हो तो आप ही को खिलाना पड़ेगा। उनके हाथ से फल खाए, उठकर आए, अल्मोड़ा पहुँचे, भव्य स्वागत हुआ, वहाँ के शहर के मुख्य चौक पर सभा हुई। उस सभा में सब तरफ की भारी भीड़ के बीच में से विवेकानंद जी ने उसको देख लिया जिसने उनको फल खिलाए थे, उसको मंच पर बुलाया, इसने मेरे प्राण बचाए ऐसा कहा और उसका सम्मान किया। ये घटनाएं लगातार निरंतर हम लोग देखते हैं। मैं कई बार सोचता हूं कि हमने कैसा व्यवहार समाज ने किया है। मुझे अंबेडकर जयंती पर बोलना था, उसके पहले दिन सायंकाल मेरा पोता 6 साल का है, वो मेरे साथ खेल रहा था। घर में 2 ही बच्चे हैं और इसलिए जरा ध्यान भी ज़्यादा जाता है, वो अकड़ता भी है, लड़ता भी है, जिद भी करता है, और वो किसी छोटी सी भी डांट से, किसी छोटी भी बात से आहत हो जाता है, नाराज हो जाता है, रोने लगता है। और उस छोटी सी बात से नाराज हुए रोते हुए बच्चे को हम सब संभालते हैं, ऐसा उस दिन भी हो रहा था। अपना भाषण तैयार करते करते मैंने सोचा, इसी उम्र के थे अंबेडकर, जब स्कूल जाते थे तो जहाँ सब बच्चे पानी पीते हैं वो पानी नहीं पी सकते थे, जहाँ सब बच्चे टिफिन रखते हैं वहाँ वो टिफिन नहीं रख सकते थे। संस्कृत के अध्यापक ने उनको संस्कृत पढ़ाने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि मैं होमवर्क करके लाता हूँ, टीचर मेरी कॉपी क्यों नहीं जांचते। टीचर सवाल पूछता है, मैं हाथ खड़ा करता हूँ, मुझसे तो कभी उत्तर नहीं पूछते, ऐसा क्यों होता है। और वो छोटा भीमराव और मेरा माधव, ये मेरी कल्पना में गड्ढमड्ढ हो गए। अगर ऐसा इसके साथ हुआ होता तो ये तो कुमला जाता, ये तो स्कूल नहीं जाता, ये तो रोता, या तो साइकोलॉजिकली बीमार हो जाता। मैं डॉक्टर से जाकर पूछता क्या हुआ इसको। पर भीमराव के एक अध्यापक थे, संयोग से ब्राह्मण थे, भीमराव तो अंबा वडेकर गांव के थे ना, इसलिए वो अंबा वडेकर थे, और ये अंबेडकर थे जो टीचर थे, अंबेड गांव के थे, अपनी गोदी में बिठाते थे, स्नेह करते थे। एक दिन आते आते वर्षा में भीग गए तो अपने घर में बुला करके कपड़े सारे बदल पोंछ करके, अपने घर के कपड़े पहना करके बच्चों के खाना खिला कर भेजा। उस अंबेडकर के आशीर्वाद से भीमराव इन सब विभीषिकाओं के बीच में अपना संतुलन कायम करके खड़े रह सके। और ये ऐसा नहीं था कि ये बचपन में ही हुआ। जब अमेरिका में जाकर पीएचडी कर ली और बंबई के एक सरकारी कॉलेज में पढ़ाने लगे, उस कॉलेज के सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति वो थे, बाकी तो कोई अमेरिका क्या विदेश भी नहीं गया होगा। और उन्होंने उस समय जो इकोनॉमिक्स पे पुस्तक लिखी थी अपनी थीसिस में, उसमें उसे कहा था, उन्होंने कहा था कि इतने बड़े भारत को केवल खेती के जरिए उन्नत नहीं किया जा सकता, अगर भारत को उन्नति करनी है तो इसको इंडस्ट्रियलाइज करना पड़ेगा, तब कहा था। पर अंबेडकर का स्टाफ रूम में पानी का घड़ा अलग रहता था,
वो वकालत करते थे, उनको गरीबों का वकील कहा जाता था, अच्छे वकील थे, दलित के लिए भी लड़ते थे, कमजोर के लिए भी लड़ते थे। पर जिनके लिए लड़ते थे उनमें से जो बच्चा वहाँ चाय देने आता था वो उनको चाय नहीं देता था। सच है, पर यह भी सच है कि अमेरिका जाने के लिए सारी व्यवस्था बड़ौदा की रियासत ने की थी, इसलिए कि अनुसूचित समाज की प्रतिभा को भी बाकी वर्णों के जितना सम्मान देना चाहिए। वो वकील बने थे तो महाराजा कोल्हापुर ने उनकी चौल में जाकर कहा था कि अब भीम तुम पढ़ो, तुम्हारा खर्चा मैं दूंगा। और बड़ौदा में जो हुआ वो तो हम सब जानते हैं। सबको मालूम था कि महाराज के मन में कालांतर में इनको महामंत्री बनाने की बात है, बड़ौदा रियासत के महामंत्री। पर महाराज के कहने पे भी स्टेशन पे किसी ने उनको लेने जाना स्वीकार नहीं किया था, उनको पानी नहीं दिया जाता था, उनको पास फाइल देंगे, अगर हम फाइल मेज पे रखेंगे तो इनका हाथ मेज को छूता है, मेज को फाइल छुएगी, फाइल को हम छुएंगे, इसलिए ऐसा गिराएंगे फाइल को। घर नहीं मिला, नाम बदल कर पारसी चौल में लिया था, शाम तक मालूम पड़ गया। एक दिन की मोहलत नहीं, एक रात की मोहलत नहीं, सारा सामान उठा करके रख दिया। इसके बावजूद भी वो भारत के लिए लड़े, भारत की एकात्मता के लिए लड़े। गांधी जी को वायदा किया कि मैं हिंदू नहीं रहूंगा, पर मैं ऐसे धर्म में ही जाऊंगा जो भारत की आध्यात्मिकता में से जन्मा है, भारत को जोड़ने वाला है, तोड़ने वाला नहीं हो सकता। मुसलमानों से एक लंबा संवाद हुआ और वो संवाद थॉट्स ऑन पाकिस्तान में संग्रहित है। उनको लगा नहीं, उन्होंने कड़ा कड़ा लिखा है, उन्होंने लिखा है कि अगर कभी भारत और अफगानिस्तान का युद्ध हुआ और हमने अगर जनसंख्या की अदला बदली नहीं की, हमारी सेना में मुसलमान रहे और अफगानिस्तान की मुस्लिम सेना से युद्ध हुआ, तो कौन बताएगा कि ये सैनिक किसके लिए लड़ेंगे। मैं नहीं कह रहा, उन्होंने कहा था, और जो मैंने बताया ये एक नरम उदाहरण बताया। और फिर उन्हें लगा कि नहीं, चाहे भिन्नता होगी, वो वेद को नहीं मानते, वो आत्मा को नहीं मानते, वो भगवान को नहीं मानते, पर परंपरा इस देश की ये है कि अगर तुम अपने रास्ते पे चल रहे हो, मैं अपने रास्ते पे चल रहा हूं, तुम्हारा मेरा रास्ता एकदम विपरीत है, तो भी मेरा रास्ता मेरा सत्य है, तुम्हारा रास्ता तुम्हारा सत्य है। और इसलिए वो बौद्ध बने। विवेकानंद जी ने अपने बचपन से भी प्रश्न करना शुरू किया। उनके पिताजी तो बड़े वकील थे, उनके यहाँ सब तरह के ग्राहक आते थे, सब जातियों के आते थे, तो हर जाति का हुक्का अलग होता था। एक दिन विवेकानंद जी ने बारी बारी उन सब हुक्कों में से, विद्यार्थी थे वो हुक्का पी रहे, यही गलत बात थी, बुरी बात थी, और फिर वो सबसे पी रहे, ये तो और भी बुरी बात थी। काफ़ी डांटने के बाद में पूछा, ऐसा क्यों कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं देख रहा था कि अलग अलग जातियों के हुक्कों में भेद क्या है, अंतर क्या है। वो उस अंतर को अस्वीकार कर रहे थे अपने बालक के समय से भी, वो अलग अलग हुक्कों की बात को भी अस्वीकार कर रहे थे, और पूरे जीवन उन्होंने किया।
बुद्ध का विश्वव्यापी जो प्रभाव हुआ और उस काल में हुआ जो भारत के पतन का काल था, कर्मकांड का काल था, वेदों के कर्मकांड पक्ष की आलोचना ये केवल बुद्ध ने नहीं की है, गीता ने भी की है, एक से अधिक अध्यायों में की है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, कर्मकांड की आलोचना की है। तेरी बुद्धि भरमाई हुई है अलग अलग बातें सुन के, निश्चल हो जाएगी अगर तू इस कर्मकांड से बाहर आ जाएगा। इन सब का समन्वय करना और इन सब के रास्ते पे चलना। बुद्ध के जन्म के पहले भी उनकी माँ को स्वप्न आया था कि भगवान अनुमति मांग रहे हैं उनके गर्भ से जन्म लेने की। विवेकानंद जी के जन्म के पहले भी उनकी माँ को स्वप्न आया था, मैं जन्म लूँगा तुम्हारे यहाँ। वो दो दिव्य जन्म, वो दो दिव्य कर्म, परस्पर अलग अलग स्थानों पे खड़े हुए पर कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं। और कोरोना को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने उनको अध्ययन का अवसर दिया और ये पुस्तक आई। इसको ब्लेसिंग इन डिसगाइज कहते हैं। मैं आपको कहूं कि हमारी पिछली शताब्दी का जितना भी आध्यात्मिक इतिहास, आध्यात्मिक साहित्य है, वो लगभग सारा का सारा या तो जेल में लिखा गया या निर्वासन में लिखा गया। महत्वपूर्ण ग्रंथों में हम मानते हैं कि गीता रहस्य है जो लोकमान्य तिलक ने लिखा, वो मांडले की जेल में लिखा गया। विनोबा जी का गीता प्रवचन है, वो जेल में लिखा गया वर्धा की, और हरेक के पहले लिखा है वर्धा मंदिर। गांधी जी का मंगल प्रभात है, वो जेल में लिखा गया। अरविंद की एसेज ऑन गीता है, वो पुडुचेरी के निर्वासन में लिखी गई। तो जब कोई आपदा आती है तो उसमें से कुछ अच्छा होता है, कोरोना में ये पुस्तक आ गई। पूरे देश में घूमते घूमते लग तो रहा है कि जातिवाद मिट रहा है, ऊंच नीच मिट रही है, पर ये आई कहाँ से मुझे पता नहीं। मैं उस विद्वता का दावा भी नहीं करता, पर मुझे घूमते घूमते ये मालूम पड़ा कि भगवान तो नहीं मानते इसको। मैं उडुपी गया था कर्नाटक में, उडुपी में सब लोग भगवान कृष्ण के मंदिर में जाते हैं। मुझे भी कार्यकर्ताओं ने कहा चलिए, आनंद के साथ मैं गया। पर वहाँ जाकर के जो मेन गेट था मुझे उस तरफ ले ही नहीं गए, वो मुझे साइड की गली से पीछे ले जाने लगे। मैंने कहा हम कृष्ण मंदिर, हाँ जी कृष्ण मंदिर चल रहे हैं। मैंने कहा उधर रास्ता नहीं है, तो उन्होंने कहा भाई साहब आप हमारे साथ चलिए। तो हम उस मंदिर के पीछे चले गए। उस मंदिर के पीछे की दीवार में एक जगह पर एक खिड़की सी बनी हुई है, उन्होंने कहा भगवान के दर्शन करिए। मैंने भगवान के दर्शन करने का प्रयत्न किया तो भगवान अपनी कुर्सी पे नहीं बैठे, सिंहासन पे नहीं बैठे, वो खड़े हुए पीछे मुड़कर खड़े हुए खिड़की की तरफ देख रहे हैं। मैंने कहा ये क्या है? भगवान को विराजमान करने के लिए जो रत्न जटित सिंहासन है वो खाली है, भगवान खड़े हैं, भगवान उधर पीठ करके खड़े हैं जिधर द्वार है। तो उन्होंने कहा आप इधर देखिए, भगवान किसको देख रहे? एक मूर्ति है, इसे हाथ जोड़कर खड़ा है। कौन है? एक कनकदास है। कनकदास भक्त था बहुत बड़ा, भगवान मंदिर में, भगवान के मंदिर में दर्शनों के लिए आया तो उसको आने नहीं दिया और भगा दिया कि तेरी तो जाति। वो मंदिर के पीछे जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, वो भजन गाने लगा, पूरे दिन गाता भी रहा रोता भी रहा। रात हो गई, वो भजन गाता भी रहा रोता भी रहा। अगला दिन आ गया, बड़ी जोर की ध्वनि हुई, भगवान खड़े हुए, भगवान पीछे कनकदास की ओर मुड़े, दीवार का एक हिस्सा टूट गया,
कनकदास ने भगवान के दर्शन किए, भगवान की आंखों ने कनकदास को प्रेम दिया। तो भगवान तो नहीं मानते। मैंने तमिलनाडु में यह घटना सुनाई तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ एक नंदनार था, उसकी आलवारों में गिनती होती है, अनुसूचित जाति का था, बॉन्डेड लेबर था, शिवजी के दर्शन के लिए जाना चाहता था। उसने अपने मालिक से कहा शिव के दर्शन करने जाऊं, तो उसने कहा ये सारा खेत जोत दे तब जाना। खेत तो नहीं जोत सकता था रात भर में, मेला अगले दिन था। इसको लगा मालिक ने मना कर दिया है, रोता हुआ सो गया। सवेरे उठा तो देखा सारा खेत जोता हुआ है, शिव जी के दर्शन के लिए गया, सड़क से हाथ जोड़कर आंसू बहा करके दर्शन करने का प्रयत्न कर रहा था, पर शिव जी की पिंडी और इसके बीच में नंदी की विशाल मूर्ति थी, उसको भगवान दिख नहीं रहे थे। फिर से जोर की ध्वनि हुई और वो मूर्ति 4 फुट बाएं सरक गई। अभी तक भी मिलती है वहाँ पर, नंदी वहीं बैठे हैं साइड में, सड़क से दर्शन होते हैं और इधर नंदनार जहाँ थे वहाँ उनकी मूर्ति बनी। एक बहुत सुंदर उपन्यास लिखा है रविदास जी के जीव गुरु जी के जीवन पर राजेंद्र मोहन भटनागर ने। मैंने 15-20 लोगों को उसकी प्रति भेंट किए और भेंट करने में आनंद आता है मुझे। वो उसमें एक राम जी से संवाद है, कुछ लोग नाराज ना हों, उसने पूछा राम जी आपने हमको छोटा क्यों बनाया। राम जी ने कहा तेरे को छोटा किसने बनाया। गुरु जी ने कहा चमड़े का काम करता हूँ सो छोटा हो गया। अब राम जी की हंसने की बारी थी और हंसते हंसते हंसी रोक कर कहा तू चमड़े का कितना काम करता है जितना मैं करता हूँ। दिन रात 24 घंटे मैं चमड़े की मूर्तियाँ बना के पृथ्वी पर भेजता हूँ। तू बड़ा चमार है कि मैं बड़ा चमार हूँ, और चमड़े के काम से छोटे हो गए तो तू छोटा हो गया कि मैं ज़्यादा छोटा हो गया। गुरु जी ने पूछा तो पुजारी मुझे मंदिर क्यों नहीं आने देता। उन्होंने कहा सुन रैदास, जिस मंदिर में पुजारी सबको नहीं आने देता, समझ ले कि मैं उस मंदिर में नहीं रहता, वो पुजारी की दुकान है। मैं बहुत सारी घटनाएं नहीं बताऊंगा, एक मैं आपको जगन्नाथपुरी के बारे में बताऊंगा, भगवान जगन्नाथ का, और एक मैं जिक्र करूंगा शंकराचार्य का। आपको मालूम है कि आप मंदिर में गए होंगे तो मंदिर में पहले ड्योढ़ी है, फिर एक बड़ा सा दालान है, और उस दालान के बाद मंदिर है, मंदिर में पीछे के भाग में गर्भगृह में भगवान विराजमान है। एक अनुसूचित समाज का व्यक्ति प्रसाद बनाकर ले गया, नहीं जाने दिया, ड्योढ़ी पे खड़ा हुआ रो रहा था। भगवान का हाथ वहां से निकला, दालान पार करता हुआ ड्योढ़ी में आके भोजन लेकर गया था। और आखिर में शंकराचार्य जी के जीवन के बारे में, शंकर जा रहे थे, काशी की गलियां छोटी हैं, सामने से चांडाल आ रहा था। अगर जातियों की उस समय की श्रेणी में देखें तो सबसे नीचे की श्रेणी का था। कुत्ते थे उसके साथ में, दिन में भी शराब पी रखी थी, आंखें भी लाल थीं। शिष्यों ने कहा हटो, चांडाल तो मत था। शंकर ने फिर कहा हटो, वो रुक गया, लाल आंखों से घूरा, अपने कुत्तों पर हाथ फेरा और एक डिफाइंस की आवाज में उन्होंने आचार्य से पूछा
किसको हटने के लिए कहा? आचार्य, क्या तुमने मेरी देह को हटने के लिए कहा? तो बताओ, जिस पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश या अब्राहमिक रिलीजन्स की भाषा में कहें, जिस मिट्टी और पानी से तुम्हारी देह बनी है, क्या मेरी देह किसी अलग तत्व से बनी है? और अगर हम दोनों की देह उसी मिट्टी गारे की बनी हुई है, तुम्हारी और मेरी दोनों की एक सी, तो देह को हटने के लिए कहने का तो कोई कारण नहीं हुआ ना। और क्या तुमने मेरी आत्मा को हटने के लिए कहा है? तो क्या ये बताओ कि तुम्हारे अंदर वास करने वाली आत्मा और मेरे हृदय में वास करने वाली आत्मा, क्या ये एक ही परमात्मा के एक से अंश नहीं है? शंकर खड़े रह गए, थोड़ा होश आने पे आगे बढ़े, उनको गुरु स्वीकार किया चांडाल को, गुरु की चरण धूलि लेके उठे तो भगवान शंकर खड़े थे। उन्होंने मनीषा पंचकम की रचना की है, ऐसा अद्भुत उपदेश वाला हमारा देश। पर आज कहीं से कोई तोड़ के ले आता है, रामचरितमानस में समुद्र ने कहा है, राम ने नहीं कहा है, लक्ष्मण ने नहीं कहा है, विश्वामित्र ने नहीं कहा है, वशिष्ठ ने नहीं कहा है, समुद्र ने कहा है, शूद्र ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। और तुम उस सबको उठाकर राम जी पे आरोपित कर रहे हो? अरे पढ़ो वो वर्णन, दोनों जगह पढ़ना, रामचरितमानस में भी पढ़ना और विनय पत्रिका में भी पढ़ना। जब केवटराज भगवान के चरण छूने आते हैं, इस घटना का वर्णन करने से पहले विनय पत्रिका ने में तुलसीदास जी ने कहा कि राम कौन है? तो राम जो अवतार लेके आए वो भी थे, और जो निराकार ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है, वो भी राम ही है, और सब देवता भी भगवान के निराकार निर्गुण रूप की उपासना करते हैं पर भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। ये लिखने के बाद लिखा, वही राम सशरीर उपस्थित थे, केवट पैर छूने के लिए आगे बढ़े, राम खड़े हो गए केवट के लिए। ऐसे दोनों भुजाएं फैला ली और केवट को कहा, आओ मित्र गले मिलो। केवट के पैर जड़ हो गए, उसने कहा, प्रभु मेरी जाति। और ये सुन ले स्वामी प्रसाद मौर्य और डॉक्टर चंद्रशेखर, भगवान ने उत्तर दिया, मैं जातियों में छोटा और बड़ा नहीं मानता हूं। मानस में कहा, मैं केवल भक्ति का रिश्ता मानता हूं। विनय पत्रिका में कहा, भगवान ने कहा कि मैं प्रेम का रिश्ता मानता हूं। अब प्रेम कहा तो छोटा बड़ा भी कोई नहीं, प्रेम तो दोनों का दोनों से होता है, परस्पर होता है। और फिर भगवान ने आगे बढ़कर के संकोच में पड़े हुए उस केवट राज को समीप खींच करके अपने आलिंगन में भर लिया। दोनों की आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे थे, दोनों के शरीर प्रेम से शिथिल हो गए, दोनों का हृदय आनंद से भर गया। शबरी के पास गए तो शबरी ने दोनों बातें कही, मैं तो स्त्री हूं, मेरी तो जाति। भगवान ने कहा, भूख लग रही है,
शबरी बेर झूठे करके देखती थी कि मीठे हैं कि नहीं, प्रभु प्रेम से खाते थे। जटायु का संस्कार किया अपने पिता की तरह, कोई संकट आता था तो पूछते थे जामवंत जी बताइए मैं क्या करूं, सुग्रीव जी बताइए मैं क्या करूं। अंबेडकर सेंटर में कार्यक्रम नहीं किया था उनको बुलाकर, राजध्वजा और सेना लेके नहीं गए थे, रथ लेके नहीं गए थे, तापसी वस्त्र पहन के नंगे पैर दरवाजे दरवाजे गए थे, किसी को कहा भरत प्रिय भरत सम भाई, किसी को कहा मित्र, न अयोध्या की सेना बुलाई थी न जनकपुरी की सेना बुलाई थी, इस पूरे समाज को जिसको पिछड़ा हुआ कहते हो उसको इकट्ठा किया था, समुद्र पर पुल बांध दिया था, लंका चले गए थे, राक्षसों का विध्वंस करके अपना वचन पूरा किया था। तो काक भूषणी जी का कोई दोहा वहां से उखाड़ लाओ, समुद्र का कोई दोहा उखाड़ लाओ, मानस पे और राम जी पर आपत्ति करो केवल इसलिए कि चुनाव आ रहा है 2024 का और तुमको लगता है कि तुम अनुसूचित समाज को तोड़ करके भीम और मीम की एकता करके इस सरकार को परास्त कर सकोगे। भारत का ये समाज मूर्ख नहीं है, ये नारों में बहता नहीं है, ये भावुक है, भावनाओं में रहता है, पर ये जो भावना और भाव है ये हमारा जुड़ा है राम जी से। सफल नहीं होगा ये षड्यंत्र, सफल नहीं होगा कोई षड्यंत्र। जो बुद्ध ने हमें कहा, जो विवेकानंद ने कहा, जो अंबेडकर ने कहा, जो राम ने कहा, जो गुरु रविदास जी ने सिखाया, जो वाल्मीकि जी ने बताया, उस पर आचरण करने का समय। अभी भी जहाँ कुछ कम रह गया उसको पूरित करें, जो पीछे रह गए चाहे शिक्षा में चाहे रोजगार में उनको अपने प्रयत्न से आगे लाएं। सबके हृदय के भगवान को देखें। महर्षि अरविंद ने कहा था कि ये शताब्दी भारत की शताब्दी है, नॉस्ट्रेडेमस ने कहा था कि ये भारत की शताब्दी है, कोविड में हमने साबित किया है कि हम एक परिवार हैं, यहाँ जितने लोग बैठे कोई ऐसा नहीं होगा जिसके घर से कभी ना कभी कुछ लोगों का खाना बनकर, जिनको आप जानते नहीं हैं उनके लिए खाना बनकर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में ना गया हो, कोई भूखा नहीं सोया था, किसी को नहीं भूखा सोने दिया। देश उन्नति कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, देश उपलब्धियां कर रहा है। हाँ हमारा समय आ गया है, हाँ ये हमारी शताब्दी है, भारत इस शताब्दी में परम वैभव प्राप्त करेगा, समुन्नत समाज होगा, विकासशील नहीं विकसित देश होंगे और अपने संस्कारों को जीते हुए पूरी दुनिया में विश्व गुरु का स्थान ग्रहण करके सबको सुख और शांति का मार्ग बताएंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि ये पुस्तक हमको इस ओर अभी प्रवृत्त करेगी। हम सबका सौभाग्य है कि हम उस शताब्दी में जन्म ले रहे हैं जो हमारी सफलता का कार्यकाल है, और हमको ये भी आनंद की बात है हम केवल इसके मूक दर्शक नहीं हैं, हमको इस यज्ञ में भाग लेने का, इस बार की वानर सेना का हिस्सा होने का भी अवसर मिला है। भगवान को अपने भाग्य के लिए धन्यवाद दें, अपने संकल्प को प्रबल करें, इस पुस्तक को पढ़ें और इनके मार्ग पर हम आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।